शुरुआत ज्योति कुमार सिंह जी, मैं आपसे ही कहूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कल बयान दिया और साफ साफ कह दिया कि इंडिया लाइन्स तो पूरा तरह से सफाया हो रहा है, बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं। जब से हम देख रहे हैं, आपकी जो आखिरी बैठक हुई थी मुंबई में, उसके बाद इंडिया लाइन्स कहाँ गायब हो गया, कोई चर्चा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, और विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नजर आ रही है। तो ये क्या माने, इंडिया लाइन्स को भूल गए क्या विपक्षी दल? और प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्ती याद दिला रहे हैं कि ये हार होगी तो ना सिर्फ कांग्रेस की हार होगी बल्कि इंडिया लाइन्स की हार भी होगी। देखिए रवि जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, उनको पता है कि अभी क्या जरूरत है। अभी जरूरत यह थी, महसूस किया गया पांचों राज्यों के लोगों के द्वारा और विपक्ष हमारी जितने अलायंस के पार्टनर के द्वारा, कि भारतीय जनता पार्टी को हमें पांचों स्टेट में पटकनियां मारना है, और इनके जितने मुद्दे हैं उनको, मुद्दे जो खोखले जुमले थे, लोगों को बताना है। अब देखिए, इस देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस देश में सबसे बड़ी समस्या जो है देशवासियों के लिए, वो सबसे बड़ी समस्या बीजेपी और मोदी है। और ये बीजेपी मुझे क्यों है, क्योंकि नफरत और उन्माद के पोषक बीजेपी, विकास और मोहब्बत की दुश्मन है ये लोग। ये लोग एक मोदी पूरे पांचों स्टेट में एक नेता नहीं बना पाए अपने 10 साल के कार्यकाल में, जहां वो अपने राज्य के नेताओं को खड़ा करें और ये स्टार प्रचारक बनाए अपने प्रधान। देश के सारे कार्यों को छोड़कर, सारे डेवलपमेंट के कार्यों को छोड़कर, वेलफेयर के कार्यों को छोड़कर, चार पांचों स्टेट में स्टार प्रचारक की तरह घूम रहे हैं। ये क्या दिखलाता है, ये क्या दिखलाता है, ये इनकी बुखलाहट दिखलाती है, ये इनकी हार दिखलाती है। और जिस इंडिया इंडिया अलायंस के बारे में परेशान हो रहे हैं, क्यों मोदी जी, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? आपको तो नहीं होना चाहिए, आप ही के थे AIDMK ना, जो आपको लात मार के भगा दिया, और जब आपको छोड़ दिया तो उस दिन पटाखा छूटा। आज तक देश में कोई ऐसा अलायंस छूटा नहीं जहां पर कि लोग पटाखे भी छोड़े जो छूटने के बाद। क्या हुआ मोदी जी, अकाली तो आप ही के साथ था ना, क्या हुआ मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, क्या हुआ? शिवसेना तो आप ही के साथ थे ना, क्या हुआ मोदी जी? आरएसएस के लोग बताइए ना, लेकिन ज्योति जी बताइए क्या हुआ, क्या हुआ? अखिलेश यादव भी आप ही के साथ थे, और मध्य प्रदेश चुनावों में अखिलेश यादव कमलनाथ के बीच किस तरह की तूतू मैमे हुई है, किस तरह से कांग्रेस को क्या 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 कुछ कहा एक दूसरे को, वो भी तो जनता में एक इंडिया अलायंस को लेकर मैसेज गया ना। अब देखिए रवि जी, हम चलते चलते कभी बड़े मकसद में चलते रहते हैं ना, तो दिखते हमको जाना है, कल राजीव जी को देखे नेकलेस लेक पर घूम रहे थे और माहौल क्या है के बारे में जान रहे थे, उनको तो पता चल गया कि अपने माहौल क्या है प्रोग्राम में, लोगों ने क्या बोला। उन्होंने बोला कि हैदराबाद में केवल सारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ, किसानों का कोई विकास नहीं हुआ, महिलाओं का कोई विकास नहीं हुआ, तालीम की बात हुई। राजीव जी अभी भी लाइव है, आप उनसे पूछिएगा कि ये बातें हुई कि नहीं, डीएलएस से लोग नाराज है कि नहीं, भाजपा से नाराज है कि नहीं। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि अखिलेश जी से बातें हुई, अब देखिए मैं कह रहा हूं, जब हमें बड़े मकसद के लिए जाना था, अरे थोड़ा सा पैर में थोड़ा सा कंकड़ आ गया, थोड़ा सा लड़का है, फिर लोग ठीक हो गए, हम लोग सब बात कर लिए, वो भी समझ गया कि नहीं नहीं बीजेपी को हराने के लिए जरूरत नहीं है, हम लोग को जो जहां मजबूत है बीजेपी को हराओ, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो जहां पर है भारतीय जनता पार्टी को हरा। और आपको मैं बताता हूं किसानों का जो अभी समस्या है यहां, आपको पता है 8000 किसान सुसाइड कर गए, और BRS कौन है, BRS कौन है, MIM कौन है, और जानते हैं मुसलमानों में यहां क्या मैसेज है, ये मैसेज है कि यही ओवैसी हैं जो कि सेकुलर पार्टियों को हराने के लिए, ठीक है, ठीक है। विधानसभा का, तेलंगाना का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये क्या मैसेज है जब नीतीश कुमार बयान देते हैं कि भाई कांग्रेस इंडिया लाइंस की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ये क्या मैसेज है जब हम साफ तौर से देख रहे हैं कि शुरुआत में ये कहा गया था कि इंडिया अलायंस के तमाम नेता मध्य प्रदेश में जाएंगे और एक एकजुट होकर मिलकर लड़ेंगे, फिर कोई एकजुटता नहीं, कोई बयान नहीं, ये भी तो मैसेज अलग जा रहे हैं ना। बिल्कुल मैसेज नहीं जा रहा है, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की, और वो हमारे सीजन नेता हैं और नेशनल लीडर हैं, उनकी बातों को हम लोगों ने गंभीरता से लिया है, और उनसे हमारे सीनियर नेता उनसे बात किए हैं, उनको बताया गया, सबको बताया गया कि देखिए अभी इस पांचों स्टेट में इनको हराना है। क्यों हराना है? क्योंकि हराने के एक कारण नहीं, आप देखिए प्रधानमंत्री कल महिलाओं की बात किए, क्या हुआ प्रधानमंत्री जी,
क्या हुआ जब आप और एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं? अभी मेरठ में कल ही ना एक खबर आया जो एक लड़के को उठा लिया, उसके मुंह पर पिशाब। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं राखी राठौर जी।